गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जिसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो है हमारी एक प्रमुख जनजाति है हिंदुस्तान की, और उसकी आबादी भी भारतीय जनजाति समुदायों में काफ़ी अधिक है। उसका नाम है भील जनजाति। हम भील जनजाति को पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे भील जनजाति को, भील जनजाति जो कि हम गवर्नमेंट कॉलेज चित्तौड़गढ़ में पढ़ते हैं, और हम चित्तौड़गढ़ दक्षिण राजस्थान का एक ज़िला है, और दक्षिण राजस्थान में न केवल दक्षिण राजस्थान में बल्कि गुजरात मध्य प्रदेश में भी इस जनजाति, और इवन कुछ कहें तो कुछ जिले महाराष्ट्र के उन पर भी इस जनजाति का प्रभाव है। तो जिस क्षेत्र में हम निवास करते हैं उस क्षेत्र की एक प्रतिनिधि जाति है, और न केवल उस क्षेत्र की बल्कि समूचे हिंदुस्तान में इस जनजाति विशेष की आबादी काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम बात करें भारत की जनगणना 2011 के अनुसार तो इस जनजाति की आबादी लगभग 12 मिलियन से ज़्यादा है, 12 से 15 मिलियन इसकी जाती। कितनी आबादी इसकी? 12 से 15 मिलियन, मतलब 1 से 1.5 करोड़ इस जनजाति की आबादी है। कितनी है? 1 से 1.5 मिलियन, इसकी बात करते हैं मिलियन। अच्छा, अब 12 मिलियन से 15 मिलियन वाली जाति के बारे में हमें बात करना पड़ेगा। तो इससे पहले बात, तो किन क्षेत्रों में निवास करती है, भील का मतलब क्या होता है और कहाँ निवास करती है, इनकी जलवायु दशाएँ क्या होती है, उसके बाद इनकी इनकी आजीविका के साधन क्या है, इनका समाज संस्कृति और अर्थव्यवस्था किस तरह की है, आधुनिक सभ्यता का प्रभाव किस तरह का पड़ा है, तो ये चीज़ें भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो महत्वपूर्ण तौर पर हम लोग चीज़ें जानते हैं कि भील शब्द है जो एक तरह से संस्कृत साहित्य में भी जो निषाद समुदाय है उससे मिला जुलता जुलता माना जा सकता है, ऐसा बहुत से विद्वानों का मानना है। लेकिन भील समुदाय जो निषाद समुदाय के रूप में माना जाता है संस्कृत साहित्य के अनुसार, लेकिन द्रविड़ भाषा का भील और एक तरह से कहेंगे भीलू शब्द है वो उसका उसका मतलब होता है धनुष से, अर्थात धनुष धारण करने वाला, तीर कमान धारण करने वाला जो जनजाति समुदाय है वो भील समुदाय है। इनका इनका जिक्र संस्कृत में एक भीड़ से भी बड़ा है। भीड़ भीड़ का मतलब भेदना या छेद करना या निशान लगाना, ये कुल मिलाकर इस तरह से धनुष तीर कमान से संबंधित इस जनजाति का एक ओरिजिन माना जा सकता है। तो ये जनजाति पहले तो देखते कहाँ निवास करती है, कहाँ निवास करती है हम बात शुरू करें इसकी, कि ये राजस्थान के दक्षिण जिलों में जहाँ पर डूंगरपुर बांसवाड़ा इसका प्रतापगढ़ है ना, डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ उदयपुर चित्तौड़गढ़ राजसमंद है ना, इस जिलों में इनकी अच्छी खासी आबादी है। इसके अलावा राजस्थान के भिलवाड़ा जिले का जो नाम है, जिला मुख्यालय का नाम है, वो भी कहीं ना कहीं भील से ही संबंधित है, और जो इनकी अतीत काल में किसी न किसी महत्वपूर्ण एक जो कह सकते हैं कि इनकी इस सामाजिक स्थिति का एकदम प्रतीक है। हो सकता है उसके बाद कुछ वर्षों के बाद इनकी स्थिति सामाजिक आर्थिक स्थिति गिरती चली गई हो, उसके बाद इनकी 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 रियासतें या इनके हाथों से चली गई हो, लेकिन ये साबित करता है कि पूर्व में कहीं ना कहीं इनका एक तरह से बाहुल्य था और प्रचुरता थी। तो उसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में धार झाबुआ इसके अलावा निमाड़ रतलाम इन जिलों में इस समुदाय की नीमच इस तरह से इन जिलों में इसकी मंदसौर इन जिलों में इस समुदाय की काफ़ी अच्छी खासी आबादी होने के कारण इस काफ़ी मतलब 70 से 80% तक आबादी भी यहाँ पर कहीं कहीं मिलती है। गुजरात में पंचमहल बनासकांठा साबरकांठा है ना वडोदरा इस तरह के जिलों में काफ़ी अरावली जिले का नाम, तो वहाँ पर अच्छी संख्या में भील जनजाति की मौजूदगी है, और यहाँ ये समुदाय इसी क्षेत्र में लगभग लगभग जो कह सकते हैं कि 8 से 10 मिलियन भील समुदाय की आबादी मौजूद है, जो बहुत बड़ी एक तरह से आबादी मानी जा सकती है। और इसके बाद हम बात करते हैं कि इनका पेशा क्या है, ये एक तरह से आधुनिक सभ्यता और संस्कृति का काफ़ी इनके ऊपर प्रभाव पड़ा है, ये अपने जो सीमांत हमारे इस क्षेत्र में निवास करने वाले अन्य किसानों से इन्होंने आधुनिक तौर तरीकों को कृषि करने के तरीकों को अपनाया है, और जो पहले यहाँ पर दजिया या जिमूटी नाम से जो एक तरह से जो कृषि की जाती थी
दजिया या जिनपिंग ने स्थानांतरित स्थिर कृषि की जाती थी उसको परित्याग करते हुए इन्होंने स्थायी कृषि को अपनाया है और आज भी समुदाय के लोग लगभग तमाम वही फसलों का उत्पादन करते हैं जो दक्षिण राजस्थान, जो जो पश्चिमी मैं सोच सकते हैं कि मध्य प्रदेश और जो उत्तरी पूर्वी गुजरात की बात करते हैं, उत्तरी पूर्वी गुजरात के जिले हैं वहाँ पर जो किसान जिस तरह की फसलें हैं, चाहे मक्का हो, चाहे गेहूँ हो, चाहे चावल हो, चाहे ज्वार हो या तिल हो, उड़द हो, सोयाबीन हो, ना तमाम फसलों का ये उत्पादन करते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग इनकी बारे में जानकारी रखें तो ये भील समुदाय के लोग आजकल स्थायी कृषि करने में व्यस्त हैं। तो भीलों का समाज संस्कृति एक तरह से कहें कि आदिम ढंग का तो नहीं है, लेकिन कहें कि आधुनिकता और प्राचीनता का एक मिश्रण है। इसमें परिवार का स्वरूप देखा जाए तो एकाकी परिवार का स्वरूप ज़्यादा होता है, परिवार काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जैसे ही किसी नवविवाहित जोड़ा अगर घर आता है तो उसके बाद उसके अलग रहने की व्यवस्था कर दी जाती है और उनका एक अलग पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन शुरू होते ही उनका अलग पारिवारिक जीवन शुरू हो जाता है और वो अपने उनको एक निश्चित क्षेत्र में निश्चित अपनी आजीविका कमा करके खानी होती है। इनसे इनका भीलों परिवार से बड़ा इनका हिस्सा होता है कुटुंब, जिसमें एक हिस्से गोत्रीय समुदाय के भील समुदाय मौजूद भील लोग मौजूद होते हैं और उन छोटे जो कह सकते हैं कि इनका बड़ा जो गाँव होता है उसको पाल कहते हैं और छोटी जो जगह होती है उसको ये लोग कला कहते हैं और ये एक तरह से कहें कि अंगूठा या लंगोटी बांधते हैं और उसके साथ साथ में जैसे कहें कि कम वस्त्रों का धारण करते हैं, अन्य समुदाय के बनिस्पत कम वस्त्रों का ये धारण करते हैं। लेकिन आजकल ऐसा देखने को नहीं है लेकिन क्योंकि जो अन्य स्थानीय समुदायों द्वारा जिस प्रकार के वस्त्रों का धारण किया जाता है, जिस तरह के वस्त्र वो पहनते हैं उनका अनुसरण ये लोग भी करने लगे हैं, इस प्रकार इस संदर्भ में कोई ज़्यादा अंतर नहीं देखने। साथ साथ में जो लहंगा और चुनरी जो राजस्थान की जो पोशाक है उस तरह का ये लोग भी कहीं ना कहीं अपने अपने ओढ़नी और उसके लहंगे के रूप में लोग अपना पहनते हैं। और साथ में ये कहें कि स्थायी दरिद्रता इनके जीवन का अभिन्न अंग है। आप यहाँ पर चित्तौड़गढ़ के विभिन्न भागों में देखते होंगे, उदयपुर के इलाकों में भी देखते होंगे कि ये क्षेत्र एक तरह से कृषि और अन्य चीज़ों की तुलना के हिसाब से देखा जाए पूर्व मुद्दा मुद्दा रखते हुए भी गरीबी से जीवन यापन करने वाले समुदायों के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि अतीत काल से ही इन समुदायों में एक तरह से कहें कि पिछड़ापन व्याप्त था और वो पिछड़ापन धीरे 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 दूर होना था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो अभी तक उतना उस सही तरीके से नहीं हो पाया जितना अन्य भागों में देश के हुआ है। तो ये स्थायी दरिद्रता है एक कर्ज के जीवन में या कह सकें कि एक तरह से कहें कि अभाव में ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से और इन्हें एक तरह से ये एक विवाह होते हैं। आमतौर पर भीलों में कोई विशिष्ट स्थितियों को छोड़कर ये एक ही विवाह का वर्णन करते हैं और उसके अलावा वही गोत्री अपने गोत्र में ये विवाह नहीं करते हैं। और कई सारी विशेषताएं इस तरह की हैं जो भीलों को एक महत्वपूर्ण जनजाति हिंदुस्तान की बनाती हैं। हाँ, भील जनजाति के बारे में एक चीज़ जो महत्वपूर्ण मान सकते हैं हम लोग इन्हें, ये बहुत ही परिश्रमी और ईमानदार होते हैं। क्या होता है, बहुत ही परिश्रमी और ईमानदार होते हैं और ईमानदार ना ईमानदारी की वजह से ही इन्होंने और ये भील लोग ही वो थे जो मेवाड़ की रियासत के महाराणाओं के साथ इन्होंने अपना एक तरह से कहें कि जो फर्ज था वो बहुत ही बखूबी निभाया है। मेवाड़ राज्य की सेनाओं में इनका काफ़ी अच्छा एक तरह से भाग हुआ करता था और मेवाड़ के भीलों ने मेवाड़ के जो सिसोदिया राजवंश के विभिन्न सरदार थे उनके साथ महाराणा प्रताप के साथ जिस निष्ठा के साथ जो लड़ाई लड़ी गई थी उस लड़ाई में इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। राणा पुंजा जो भील सरदार थे उन्होंने विभिन्न एक तरह से कहे कि युद्धों में महाराणा प्रताप का बखूबी साथ दिया। तो इस प्रकार ये कह सकते हैं परिश्रमी और ईमानदार होते हैं।
इसके बाद में ये कहेंगे आधुनिक संस्कृति का प्रभाव, ये माने या भारतीय जो समुदाय के प्राचीन समुदाय उनका वो परम्पर माने, ये हिंदू देवी देवताओं का ही अधिकांश तौर पर पूजन करते हैं और हिंदू देव लगभग इनका जो धर्म है, इनकी उपासना पद्धति है वो हिंदू धर्म से सम्यता रखती है। ठीक है, हिंदू धर्म से सम्यता रखती है, हिंदू धर्म से। और इन पर अभी यही कोई ईसाई विष्णुदेव का विशेष व्यापक प्रसार अभी तक देखने को नहीं मिला है, जबकि जो कि भारत के जो स्पेशल नागपुर के पठार के ऊपर या जो बस्तर और दंडकारण्य में या कहें कि पूर्वोत्तर के भारत में नागर जनजाति की तरफ जो देखने को मिलता है कि ईसाई विष्णुदेव का और उनका प्रभाव देखने को मिलता है वो इधर यहाँ उतना ज़्यादा नहीं है। इस प्रकार ये कहें कि इन पर आधुनिकता का प्रभाव देखा जाए तो हिंदू धर्म के रूप में देवताओं के पूजन के रूप में मान सकते हैं हम लोग, और जो तमाम इस क्षेत्र की संस्कृति है उस क्षेत्र की संस्कृति को ये लोग अपने साथ रखते हैं। आज इस क्षेत्र में निवासत अन्य लोगों के साथ में काफ़ी घुल घुल मिल चुके हैं और इन जनजाति समुदायों में वो इस तरह का पृथकत्व की भावना नहीं है जो अपने आप को अपनी संस्कृति को रखना चाहते हैं, परंतु इनकी दयनीय स्थिति और इनकी एक तरह से सामाजिक आर्थिक स्थिति जो है वो एक चिंतनीय स्तर पर है, जिसको राजस्थान सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से एक सुदृढ़ करने की कोशिश तो की गई, लेकिन वो प्रयास अब तक उतने सफल नहीं हो पाए और इस संदर्भ में सरकारों को अपना रुझान ज़्यादा बेहतर तरीके से क्रियान्वित करने का सोचना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह के वंचित समुदाय के लोग अगर इसी तरह से वंचित रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी समृद्धि के लिए कभी न कभी चुनौती बनकर सामने आते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि पॉवर्टी एनीवेयर इज थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर, यानी कि जहाँ कहीं भी गरीबी है ना वो जहाँ कहीं भी संपन्नता है उसके लिए चुनौती बन करके सामने आती है। तो इस प्रकार हमें इस भील समुदाय को एक महत्वपूर्ण समुदाय के रूप में मान करके पढ़ना चाहिए और ये आप लोगों को भी एक तरह से होमवर्क है कि आप इस जनजाति के बारे में अधिकाधिक जानकारियाँ अधिकाधिक तथ्य जोड़ करके आप लाएं, ताकि हम इस समुदाय के बारे में और बेहतर तरीके से जान सकें और बेहतर तरीके से समझ सकें। आज की इस कक्षा के लिए धन्यवाद। आगामी कक्षा हमारी नागा जनजाति की होगी, जिसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे।